प्लान बना रहा है लोग कि चला जाए एनिमल फिल्म देखने के लिए। बाहर की तरह देख सकते हो भीड़ बढ़ती जा रही है। ये पीस का सीट, लेकिन ये क्या हो गया है? सीन देखकर भाई साहब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे अभी फिलहाल तुम्हारा भाई मस्त सोकर उठ गया है। आज संडे था, सो जाता तुम्हारा भाई सुबह सुबह उठकर जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उठ ही नहीं पाए। हम सुबह जाने वाले थे 5 बजे क्रिकेट खेलने के लिए, भाई सब भी कॉल नहीं किए सब, और तुम्हारा भाई तो मस्त चितों का सो गया। और जानते हो रात को कितने बजे सोए? रात को 4 बजे सोए, सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने जाने ही वाले थे। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, हमको 1 घंटे केवल जगना था, लेकिन हमको नींद लग गई। बट इतनी तेज नींद लगी तो उठे 11:20 पर। चलो उससे क्या हुआ, आज नहीं जा पाए लो तो दोपहर में जरूर चला जाएगा। और आज हम लोग जाया जाएगा एनिमल देखने के लिए, जू में एनिमल देखने क्यों जाया जाएगा, हम लोग तो जाया जाएगा शायद सिनेमा हॉल में ना। हाँ, सिनेमा हॉल में एनिमल फिल्म लॉन्च हुआ है ना, तो उसको सोच रहे लो देखने जाने के लिए। वैसे जब आदित पीयूष आ जाएंगे तो दुकान से फिर जाकर हम लोग निकला जाएगा एनिमल फिल्म देखने के लिए। और आज हम लोग जाया जाएगा मेला की साइड भी। वैसे कई जो भोजपुरी के क्रिएटर रह लो वो आ रहे लो, उनको भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे आप सभी को। वैसे 1 तारीख को तो हम गए थे, मैथिली ठाकुर आई थी, तो और सोच रहे आज भी चले जाए। जो भोजपुरी के थोड़े बहुत क्रिएटर आ रहे हैं उन सभी को भी दिखा देंगे, आप भी देख लोगे। क्या जाने आप पहचानते होगे या नहीं पहचानते हो तो कमेंट में बता देना। आपने भी मम्मी घर पे है भी नहीं, मम्मी गई है जानते हो मट्टी कोडन में। आपको बता ही रहे थे कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में कि रिलेटिव के घर शादी पड़ रहा है, तो उसी में मम्मी जाती रह रही है, आती रह रही है। आजकल तो घर पूरा खाली रह रहा है, तुम्हारा भाई केवल अकेले घर में रह रहा है। मम्मी हमको छोड़ के चली जा रही है, हम अकेले घर में रह कर इसी तरह मंडराते रह रहे पूरे दिन। अभी भाई मस्त नाश्ता भी निकाल लिए, नाश्ते में आज रोटी और साथ में गोभी का सब्जी। वैसे आजकल तुम लोगों ने नोटिस किया है कभी कभी तुम्हारा भाई बोलता है तो उसमें भोजपुरी भी निकल जाता है। जैसे उस दिन हमको चूहा डरा रहा था, तो उस दिन हम कह रहे थे देखो हमको मूस डरा रहा है। हमको कहना चाहिए कि चूहा डरा रहा है तो हम मूस बोल रहे हैं। और फिर बारिश होती है तो कभी कह देते बूढ़ी आ रही है, कोई ब्रश करता है तो हम कह देते मुँह धो रहा है। वैसे फ्लो में निकल जाती है भोजपुरी टाइप, क्योंकि हम ना बचपन से ही भोजपुरी बहुत ही ज़्यादा बोले हैं। अभी भी बड़े हो गए लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं लोग। केवल ब्लॉग में हम हिंदी बोलते हैं और बोलते बोलते बहुत ही बढ़िया तरीका से अभी हिंदी बोल पाते हैं। वैसे हिंदी तो हम लोग का मातृभाषा है, लेकिन भोजपुरी नहीं होता है, बचपन से ही बोलते आ लो। तो एक तरीका से कितना भी तुम हिंदी शुद्ध बोल लो उसमें 1-2 वर्ड आ ही जाएगा भोजपुरी का। इसको रहा जहाँ तक सुधारने की बात, हम अपने ओर से पूरी ट्राई करते हैं कि अपने ब्लॉग में उतना भोजपुरी डाले ही नहीं, और अपना जो लैंग्वेज है उसे भी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करें। पहले वाला मेरा ब्लॉग देख रहा हूँ, उसमें मेरी इतनी गलतियाँ होती थी, इतनी भोजपुरी बोलते थे। बट आज के डेट वाला ब्लॉग देखो, बहुत ही डिफरेंस है। उस समय तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, अब तो हैबिट हो गया। वैसे अभी फटाफट अपना नाश्ता करते हैं, अभी भाई मस्त नाश्ता भी कर लिए हैं। तो गाइस अभी फिलहाल निकले हुए थे लोग क्रिकेट खेलने के लिए, और यार आज कितने दिनों बाद इतनी तगड़ी धूप देखने को मिल रहा है, वरना इतनी ठंडी हो रही थी ना तो धूप ही नहीं निकल रहा था। और अभी देख सकते हो बॉल मेरे हाथों में है, और बॉल अभी चला गया पानी के अंदर, इसीलिए पूरा गीला हो चुका है। वैसे हम लोग जाने वाले थे लोग एनिमल फिल्म देखने के लिए, बट वहाँ क्रिकेट लेने गए थे लोग कुछ लोग, और वहाँ का सीन ऑफ है पूरा, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ भाई टिकट ही नहीं मिला है किसी को। तो कह लो चलो यार देखा जाएगा कभी और, क्योंकि इतनी भीड़ में भाई टिकट ले पाना मुश्किल। और आज लग रहा है कि शादी भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह गाड़ियाँ सज रही है, यहाँ पर तो फॉर्चूनर रेडी हो रही है, लेजेंडर वो भी दूल्हा जो होगा ना बहुत ही रईस होगा, इसलिए लेजेंडर में जाएगा। तो बाकी सब जा रहे हैं लोग छोटे मोटे गाड़ी में। इसमें पहुंचे हुए थे लोग खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो खेलने का माहौल ही नहीं है। देखो चारों तरफ शादी के लिए टेंट टेंट लग रहा है, लग रहा है क्रिकेट खेलने वाला भी प्लान कैंसिल हो गया। आए तो थे लोग बड़ा मन बनाकर खेलने के लिए, बट ये सब बास देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं खेल पाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इतना खतरनाक बुल बैठा हुआ है, और इसके साथ एक प्यारी गाँव माता खड़ी हुई है। प्यारी है ना, मारेंगी नहीं ना, लग रहा गुस्सा है।
पास नहीं जाएंगे, कुछ भी कर सकती है लोग। अभी इसी तरह एक दो गेम ट्राई ट्राई खेला जाएगा, फिर निकल जाया जाएगा घर। अब क्या करा जाएगा, यहाँ पर रुक कर चारों तरफ बासी बास लग रहा है। अभी वहाँ से आ चुके हैं घर पे, वहाँ पर गए थे लोग खेलने के लिए, बट खेल भी नहीं पाए लो। देख लो आप लोग की पूरा सज रहा था अभी, तो उसी वजह से नहीं खेल पाए लो। एंड घर पर आकर अभी हम बॉटल मैंने काट लिया है और अभी इसको खाने वाले। आज तो खाना भी नहीं खाए, भूख ही नहीं लग रहा है यार, इसीलिए अभी फ्रूट खा रहे हैं। और शाम को प्लान बना रहे लोग कि चला जाए एनिमल फिल्म देखने के लिए। सुबह तो भेजे किसी को टिकट कटाने के लिए, कटा नहीं पाया, बट शाम को तुम्हारा भाई जाएगा टिकट कटाने के लिए, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्राई करेंगे अपनी ओर से टिकट कटा लें, और नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। ट्राई तो 100% करेंगे टिकट लेने का। शाम को अगर टिकट मिल जाता है तो चला जाएगा एनिमल फिल्म देख कर आया जाएगा। सुने कि बहुत ही ख़तरनाक फिल्म है, उसमें एक्शन पे एक्शन है, तो देखने तो चला ही जाएगा। जहाँ पर एक्शन वहाँ पर विराज ब्लॉग जरूर जाकर देखा जाएगा। अभी फिलहाल पहुँचे हुए थे लोग जहाँ पर फिल्म लगा हुआ है एनिमल, देख सकते हो। अभी आदित पीस गए सब अंदर के साइड टिकट कटाने के लिए, वहाँ पर टिकट कटा लेंगे सर। फिर 7 बजे से ये हॉल खाली होगा, फिर बैठा जाएगा देखने के लिए। क्या हुआ, मिल गया? पहली बार हमने को इतनी जल्दी टिकट मिला है। 5 थे, 1 तेरा, 1 मेरा, हमारा 3 तेरा, 3 मेरा। लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना फास्ट टिकट मिला है, वरना जल्दी मिलता नहीं। अगर अभी जाया जाएगा तो जानते हो कितने बजे निकला जाएगा, 10 बजे, 10:30 बजे देख कर निकला जाएगा। और आज जाने वाले थे लोग ददरी मेला साइड, क्योंकि प्रमोद प्रेमी और कोई एक सिंगर आने वाली थी, बट नहीं जा पाए लोग क्योंकि फिल्म देखने के लिए आ गए लोग। दोपहर में आए थे, उसी वक्त देख लेते तो जरूर जाते रात के वक्त लोगों को देखने के लिए। वैसे सुने कि मूवी बहुत ही प्यारी है, अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, धीरे धीरे तो भीड़ आएगी। अभी हम लोग बैठ कर 1 घंटे यहीं पर मस्त इंजॉय करते हैं लोग, फिर जैसे ही हॉल खाली होगा फिर हम लोग अंदर जाया जाएगा। तो अभी भाई कुछ देर के अंदर सारे लोग निकलने वाले लोग अंदर से, और बाहर की तरफ देख सकते हो भीड़ बढ़ती जा रही है। फाइनली सारे लोग अंदर जाने लगे लोग। सो भाई अभी आ गए थे लोग अंदर, और देख सकते हो अभी कुछ देर में फिल्म स्टार्ट होगा यहाँ पर। क्या हुआ पीयूष? ये पीयूष का सीट बढ़िया है इसके लिए, ठीक है। फिल्म के बीच में इंटरवल हो चुकी है। एंड पीयूष आधा फिल्म देखे कैसा लगा? मजा आया। अब कैसे बैठो, ये सीट है ना भाई, सीट है सिनेमा हॉल का, लेकिन ये क्या हो गया है, यहाँ के हर एक सीट देख सकते हो वैसे ही हो गया है। कोई लग रहा इस पे अपना गुस्सा निकाल कर गया है। और आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5वां मैच T20, देख सकते हो 160 रन इंडिया मारा 20 ओवर में, 8 विकेट गिर गए हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया खेलना स्टार्ट करेगा। अभी भाई दोबारा से फिल्म स्टार्ट हो गई है। तो अभी भाई फाइनली शो खत्म हो चुका है, देख सकते हो सारे लोग निकलने लगे लोग। और अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 1 ओवर में 10 रन। पहला गेंद लौट गया, बढ़िया है भाई, देखते लो जीतते लोग कि नहीं इंडिया वाले। अभी मस्त फिल्म देखकर बाहर निकल गए जो, एंड अब जा रहे घर। रात के कितने बज रहे हैं? 10:30 हो रहे हैं, और हम लोग जाने वाले थे आदित्य मेला की तरफ, बट नहीं जा पाए लोग, फिल्म में पूरा टाइम बीत गया। लेकिन फेवरेट हीरोइन छूट गई है। कौन? डिंपल सिंह। तो क्यों नहीं चलेगा फिल्म को छोड़कर मेले में? आने वाली थी ना शायद, वो भी बढ़िया के ददरी मेला में, तो क्यों जाने वाला आई होगी, जाएंगे तो जाओ, छोड़ो जाओ, इधर ही से निकल जाओ फटाफट, पता चलेगा 11 बजे तक मेले में पहुँचेगा और वो चली भी जाएंगी। वैसे फिल्म देख कर मजा आ गया, बहुत बेस्ट फिल्म था यार, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। आज कैसे गर्दन काटा है, लग रहा था बकरा काट रहा है वैसे।
सीन देख कर भाई साहब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। वैसे अभी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए 2 गेंद में 9 रन और इंडिया बहुत ही बढ़िया तरीका से बॉलिंग करा रहा है। चलो जी भाई, इंडिया मैच जीत गया, आपको दिखाने वाले थे बट उससे पहले इंडिया मैच जीत गया, बहुत ही खुशी वाली बात है। इंडिया 4 मैच जीत गया, केवल 1 मैच हारा, वो भी जीता हुआ मैच उस दिन हारा था। और ये कह रहा वर्ल्ड कप ही हार गया, वर्ल्ड कप भाई नसीब में नहीं था। वैसे बॉयज अभी घूम फिर कर आ गए थे लोग मोहल्ले में और अब जा रहे लोग यहाँ से डायरेक्ट घर। और ये भी हम लोग की गली की डॉग है बट पता नहीं कि हम लोग की गली में अब नहीं रहती है, सब इसको खेत दिया सब, लेकिन बहुत प्यारी है ये, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, बहुत सीधी सादी है ना, वो सब दुष्ट है सब, इसीलिए इसको खेत दिया सब। फिलहाल हम चलते हैं अभी घर में, इस ब्लॉग को यही एंड कर दे, उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करेगा, अगर चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर साल याद तेनू करते रहे कोई। ਮੰਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਕਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਐਸ ਕੋ ਬਾਤ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ।